लेमन है, सोडा है, जलजीरा होता है, जलजीरा जलजीरा जैसे कि हम ये अभी मटका तैयार नहीं रखा, हाँ। लेकिन जलजीरा होता है, जैसे नींबू वगैरह पुदीना वगैरह सबसे ज़्यादा। अच्छा, जलजीरा जलजीरा पिलाने। चटपटा बताओ क्या पियोगे? चटपटा स्पाइसी 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 पूरा। चाय कॉफ़ी खाना पराठा पोटैटो सैंडविच कपड़े। सिकन जी का नाम क्या है? सिकन जी का नाम सिकन जी है बस, या कुछ और दुकान का भी नाम रख रखा है? बढ़िया बनेगी, टेस्टी। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या क्या डाला। बर्फ बर्फ नींबू मसाले मीठा। अच्छा, अगर सोडे वाली होती तो सोडे में बोलते। जगह कौन सी है? रामपुर तिराया। मुझे रामपुर तिराया। फेमस हो जाओगे आप सर्च कर। फेमस होने के बाद ये भी हो सकती है, मेरे दोस्त यार देख ले जिसको ना बताओ। भाई दिल्ली वाली बस रुकती है ना यहाँ पे? हाँ जी, दिल्ली वाली सारी रुकती है। बताओ एड्रेस दो अपना। एड्रेस रामपुर तिराया है, मुजफ्फरनगर है, दिखाना होटल के पास है। ये हमारा गुरु नानक ढाबा है, गुरु नानक ढाबे के पास। ये दिखा दो गुरु नानक ढाबा, ये हमारा। और भाई सिकंजी बन के रेडी। हाँ, एक नंबर टेस्ट है। सोडा वाली चीज़ें तो हो ही गया, सोडा है, लेमन है, सोडा है, फिर लहर वाला सोडा है, जलजीरा होता है। अच्छा, ये नॉर्मल वाली थी? ये सिंपल पानी वाली सिकंजी। तीन प्रकार, एक पानी वाली, एक सोडे वाली, एक जलजीरा होता है, एक बिल्कुल प्लेन सोडा होता है, एक मीठा सोडा होता है, एक प्लेन सोडा होता है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, आपस में दो रोड पे के पास लगाते हैं तो आपस में रिलेटिव मिलते हैं, मतलब जान पहचान वाले, या तो आसपास के हो या बाप बेटा होते हैं, तो एक रेडी ये है एक वो है, क्या ये बात सही है? नहीं, बाप बेटा नहीं है, अलग अलग है। अलग है, मेरा अपना अलग है। अच्छा, हमारी अपनी अलग है, जितने कमाएगा वो उसके अलग है, वो अपना, वो ऐसा है कि बस मोहल्ले और जान पहचान होती है, उसी जगह होती है ना। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती है कि हाँ भाई पहले पिताजी ने अगर बेटे को भी वहीं पे लगा दिया, दुकानदारी पे सेल बढ़ जाए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारे साथ अलग अलग। सिकंजी तो बढ़िया अच्छी थी आपकी, थैंक यू सो मच। और बताओ कुछ पेट भर गया? इधर डस्टबिन ही। और क्या है? और लेमन है, थोड़ा है, जलजीरा होता है। जलजीरा जलजीरा जैसे कि हम ये अभी मटका तैयार नहीं रखा, हाँ। लेकिन जलजीरा होता है, जैसे नींबू वगैरह पुदीना वगैरह सबसे ज़्यादा। अच्छा, जलजीरा जलजीरा पिलाने। चटपटा बताओ क्या पियोगे? चटपटा स्पाइसी स्पाइसी पूरा। यार चाय कॉफ़ी खाना पराठा पोटैटो सैंडविच कपड़े। मीठा लगा ना जलजीरे में? खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, हाँ पूरा। सोलह प्रकार के मसालों से हमें बहुत चीज लगती है। सबसे पहले बर्फ ये तो है ही, लेकिन जो जलजीरा बनता है 16 मसाले मिलते हैं। ये साल्ट है, चाट मसाला, चना मसाला सब मिक्स। अच्छा, सरबत लगेगा। ये क्या है? मीठा चाहिए। ये क्या है? मीठा है सरबत। अच्छा, अगर जलजीरा खट्टा मीठा चाहिए तो सरबत होगा। उसके बाद अगर खाली स्पाइसी चाहिए तो पुदीना होगा, जीरा होगा। अच्छा, ये क्या है? ये चटनी है पुदीने की, इसमें सब मिक्स है, इसमें 16 मसाले। अच्छा, 16 मसाले तैयार हो। चलो बढ़िया है। भाई बड़ी बूंदी ला दी, बूंदी इसमें डिफरेंस क्या है फिर? अलग अलग चटपटा होता है, खट्टा मीठा होता है। जलजीरा भी वही है और वो भी वही है? नहीं नहीं, इसमें सिंपल पानी है अभी, लेकिन जलजीरा तैयार नहीं है, जलजीरा इसमें चटनी द्वारा तैयार करते हैं। अच्छा, गर्मी ज़्यादा
काम थोड़ा कम है तो इस वजह से जल्दी रस में नहीं बनाते, वरना पूरा मटका बना के फिर उसमें पानी नहीं रखते, फिर उसमें वो रखा जाएगा। में बहुत चीज लगी, ये थोड़ा ग्रेवी कम है उसके तो बहुत ही चमट के। चलो देखते हैं। मिर्ची ज़्यादा डाल दी शायद नहीं, बढ़िया है वैसे तो। अभी आपने स्पाइसी ज़्यादा बोला तो ये स्पाइसी कम भी हो जाता है। स्पाइसी तो नॉर्मल दे दिया। बताओ भैया एड्रेस। ये पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर, वो पड़ता है विलेज वो रामपुर, ये मेन हाईवे पर ही है बीकानेर रेस्टोरेंट के पास। अच्छा, आप सर्च कर सकते हो बीकानेर रेस्टोरेंट एकदम आएगा। चलो, जब भी दिल्ली से देहरादून वाले या देहरादून से दिल्ली वाले इसी रूट तो बस यहाँ पे रुकेगी। हाँ जी, और यहाँ पे बस रुकते भैया को आप पहचान लो। हाँ जी, ये सिकंजी बना के देंगे आपको परफेक्ट। तो चलते हैं भैया, फिर हमारी बस आ गई। बाद में बोल दो एक बार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय।